नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों पर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है। पंचकुला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आदेश सुनाया है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग की ओर से अनुमति न मिलने और पंचकुला पुलिस की कमजोर दलीलों के चलते यह धारा हटी है। साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा भुगत रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जब दोषी करार दिया था तो पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में जगह जगह हिंसा भड़क गई थी। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित पुलिस थाने में भीड़ के घुसने की कोशिश की, पेट्रोल बम फेंकने और तोड़फोड़ के मामले में 38 लोगों को पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार करने के साथ ही कुल 41 लोगों पर देशद्रोह की धारा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। FIR नंबर 333 में SIT ने हरियाणा सरकार से देशद्रोह के मामले में अनुमति मांगी थी। पुलिस की ओर से इसके लिए रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई। गृह विभाग ने 25 अगस्त को पंचकुला कोर्ट से डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश करने के मामले में देशद्रोह की धारा लगाने की अनुमति दी थी। इस अनुमति की प्रति चालान के साथ कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। पंचकुला में दंगा भड़काने की योजना बनाने और दंगा करवाने के मामले में हनीप्रीत आदित्य इंसा व सुरेंद्र इंसा सहित कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कमजोर दलीलों के चलते 41 डेरा समर्थकों पर से देशद्रोह की धारा हटाने के आदेश जारी किए। Once again